फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में एयर फ्रायर। मॉडल की बात करें तो मॉडल है हमारा एरो स्मार्ट एंड स्टीम, जिसके अंदर आप स्टीमर वाला भी काम कर सकते हैं, स्टीम वाले फूड भी आप इजीली बना सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इसमें आप एयर फ्राई कर सकते हैं, ओवन वाला काम भी करेगा, डिहाइड्रेटर भी है, टोस्टर भी है, बारबेक्यू वाला काम भी करेगा, और प्लस में अभी एक ये नई टेक्नोलॉजी स्टीमिंग वाला काम भी करेगा। तो चलिए प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। 1700 वाट का इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट दिया हुआ है और 15 लीटर प्रोडक्ट की कैपेसिटी है। तो और इसके अंदर आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ डिटेल के अंदर। यहाँ पे आपको ऊपर एक वाटर टैंक मिलता है स्टोरेज के लिए, ये आपका वाटर टैंक है जो स्टीमिंग के लिए काम में आता है। यहाँ पे आपको जब भी ये फिल करना है तो आपको सिंपली यहाँ से ये लिड ओपन करना है और यहाँ से पानी भर सकते हैं। पानी हमेशा आरओ वाला यूज़ करें, ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। ये स्टोरेज के लिए वाटर टैंक है। इसकी कैपेसिटी 1350 ml की है वाटर टैंक कैपेसिटी। और अटैचमेंट्स के बारे में आपको दिखा देता हूँ। एक आपको इसके साथ में रोटेशनरी ड्रम मिलता है, उसके बाद आपको इसके अंदर जो ट्रे मिल रही हैं वो तीन ट्रे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको एक क्रम्ब ट्रे मिलेगी जो सबसे डाउन साइड में लगेगी, क्रम्ब ट्रे, ये आपकी क्रिस्प ट्रे है, और ये आपकी ग्रिल ट्रे है जो ग्रिलिंग पर्पज से काम में आएगी। उसके बाद आपको ये ट्रे हैंडल मिलता है, ये आपका रोटेजरी फोक सेट है, और ये रोटेजरी के लिए हैंडल दिया हुआ है, जब भी अंदर लगाएंगे तो निकालने के लिए गर्म हो जाएगी तो आप इसकी मदद से इसको निकाल सकते हैं। चार आपको इसमें स्क्रूवर्स रॉड मिलती हैं, पनीर टिक्का कबाब वगैरह बनाने के लिए आप स्क्रूवर रॉड का यूज़ कर सकते हैं। चार पीसेज आपको ये मिलेंगे। एक आपको रेसिपी बुक मिलती है इसके अंदर, और एक आपको यूज़र मैनुअल कार्ड मिलता है। मैनुअल के अंदर आप सारी चीज़ें इजीली पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट को किस तरीके से चलाना है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। और एक आपको ये हैंड ग्लव्स भी मिलता है साथ में, ताकि जब चीज़ें गर्म हो जाएंगी तो आप इजीली उनको पकड़ सकें। एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें कि प्रोडक्ट की क्लीनिंग कभी भी साथ के साथ नहीं करनी है, कि आपने कुछ बनाया और साथ के साथ आप सोचो क्लीन कर दें, थोड़ा टाइम दें, प्रोडक्ट को ठंडा होने दें, उसके बाद ही क्लीनिंग करनी है। तो चलिए प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, जो स्टीम का एक्स्ट्रा पानी जो भी इकट्ठा होगा, यहाँ नीचे वाटर कलेक्टर लगा हुआ है, ये आप देखेंगे, ये वाटर कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे लगा रखा है। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा पानी होगा स्टीम से जो बनेगा, वो नीचे यहाँ ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा। ये दोबारा से आपने यहाँ पे लगा देना है। ये जो भी आपका स्टीम का एक्स्ट्रा वाटर होगा, यहाँ नीचे आप बॉडी में देख रहे हैं एक होल दिखाई दे रहा है, तो जो भी स्टीम का पानी इकट्ठा होगा वो होल के थ्रू नीचे वाटर कलेक्टर में चला जाएगा, जिसको आप इजीली वहाँ से साफ कर सकते हैं पानी को। तो चलिए इसके कंट्रोल पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस नॉब के बारे में बता देता हूँ। ये जो आप नॉब देख रहे हैं ये फंक्शन नॉब है, आपको कोई भी फंक्शन सेलेक्ट करना है तो इस नॉब के थ्रू आप सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, इसको मैं घुमाता रहूँगा तो हमारे आइकन चेंज होते रहेंगे जो प्रीसेट। तो इस नॉब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, आप देख रहे हैं आगे ब्लिंक करता जाएगा, पीछे करेंगे आप पीछे मेन्यू सेलेक्ट होगा, आगे करेंगे तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा, और आप देखते रहेंगे टेम्परेचर यहाँ पर आपका उसका चेंज होता रहेगा साथ के साथ ही। टाइम एंड टेम्परेचर दोनों चीज़ें मेन्यू के हिसाब से चेंज होती रहेंगी। तो ये फंक्शन नॉब से आप अपने प्रीसेट मेन्यू का सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रीसेट मेन्यू की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको टोटली 10 प्रीसेट मेन्यू दिए जाते हैं। सबसे स्टार्टिंग के आइकन की मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपको ये रीहीट के लिए दिया हुआ है। आप 50 से लेके 80-90 डिग्री टेम्परेचर तक कोई भी चीज़ आप अपनी रीहीट के लिए रख सकते हैं, 24 आवर्स के लिए वो काम करेगा। सपोज़ आपने कोई कुकिंग करी है, वो चीज़ बन चुकी है, तो वो इस फंक्शन के थ्रू आप उसको एक सेट टेम्परेचर पे रख सकते हैं कि वो ठंडा नहीं होगा और वो उतना ही गर्म रहेगा, 50 से 80-90 के अराउंड में।
सबसे पहले फंक्शन, फिर अब दूसरे फंक्शन पे आ रहे हैं। ये हमारा प्योर स्टीम के लिए है जो स्टीम जनरेट करेगा यहाँ से। उसके बाद आपका स्टीम एंड बेक दोनों फंक्शंस पे काम करता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ, हमारी फ्रोज़न फ्राइज़ दे रखी है। नेक्स्ट प्रीसेट पे आएंगे, ये हमारा चिकन है। उसके बाद हम उससे नेक्स्ट पे जाएंगे, ये हमारे स्टिक्स दिया हुआ है। उसके बाद आगे जाएंगे तो ये हमारा रोस्टिंग के लिए दिया हुआ है। उससे नेक्स्ट पे जाएंगे, ये हमारा पिज़्ज़ा के लिए दिया हुआ है। उससे नेक्स्ट पे जाएंगे, ये डिहाइड्रेटर का काम करेगा। और उससे नेक्स्ट पे जाएंगे, ये हमारे वेजिटेबल्स की रोस्टिंग के लिए दिया हुआ है। तो टोटली आपको 8 प्रीसेट मेन्यू मिलते हैं जिनके अंदर टाइम एंड टेम्परेचर ऑलरेडी सेट किया हुआ है। हाँ सॉरी, तो 10 प्रीसेट मेन्यू इसमें आपको मिलते हैं, यहाँ से आप काउंट कर लेंगे। 10 प्रीसेट मेन्यू है। फंक्शन नोब आपको ये दे रखी है। मेन्यू का सिलेक्शन करने के लिए आपने यहाँ पे ये प्रीसेट का बटन दिया हुआ है। यहाँ से आप अपना कोई भी मेन्यू सिलेक्ट कर लेंगे। टाइम अगर आपको चेंज करना है, टाइम भी चेंज कर लेंगे। और दूसरी चीज़ मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ अभी, सपोज़ किसी भी प्रीसेट के अंदर टाइम एंड टेम्परेचर जो सेट है, आप चाहते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, कम करना या ज़्यादा करना, तो यहाँ पे आप टाइम एंड टेम्परेचर का एक आइकन देख रहे हो, इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका टेम्परेचर ब्लिंक करने लग गया। अब इसी नोब के थ्रू, जो फंक्शन नोब मैंने आप दिखाई है, इस नोब से आप अपना टेम्परेचर इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो अपने अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मुझे इतने की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 80 डिग्री टेम्परेचर, और सॉरी मिनिमम आपका टेम्परेचर जाएगा, तो टेम्परेचर रेंज की अगर बात करूं तो 50 डिग्री सेल्सियस से लेके 200 डिग्री मैक्सिमम तक आपको इसमें टेम्परेचर रेंज मिलती है। और टाइम की अगर बात करूं तो टाइम रेंज इसमें आपकी 1 से लेके 60 मिनट तक टाइम रेंज दे रखी है। दूसरी बात, अगर आप इसको रीहीट वाले मोड पे चलाते हैं तो 24 आवर्स तक इसको आप प्रोडक्ट को रन कर सकते हैं, और अगर आप डिहाइड्रेट मोड पे चलाते हो तो वहाँ पे भी अप टू 24 आवर्स तक के लिए काम करेगा आपका। तो टाइम एंड टेम्परेचर का सिलेक्शन आप किसी भी मेन्यू पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है। सिंपली आपने ये वाले आइकन क्लिक करने हैं, जब ये ब्लिंक करेगा तो इसी नॉब से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन प्रेस करेंगे, टाइम ब्लिंक करेगा, इसी नॉब से आप टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो टाइम टेम्परेचर के लिए आपके लिए ये नॉब काम करेगी, प्लस में आइकन काम करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो रोटेजरी के लिए जो ब्लिंक हो रहा है, यहाँ से आपका रोटेजरी वाला फंक्शन ऑन होता है, जिसके लिए आपको मैंने दिखाया है। आपको रोटेजरी फोक सेट मिलता है और एक ये वाला रोटेजरी ड्रम मिलता है, तो आप रोटेजरी फंक्शन में दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइकन आपको यहाँ पे लाइट का दिख रहा है। सपोज़ आप चाहते हैं कि बिना डोर ओपन किए हमारा जो खाना है वो किस कंडीशन में पहुँच चुका है, तो आप सिंपली ये लाइट जलाएंगे, यहाँ से आप अपने अंदर प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि हमारा जो खाना है वो किस कंडीशन तक पहुँच गया है, कितना बन चुका है, कितना पक चुका है। तो ये लाइट आपकी उसमें है। तो ये आपका डिस्प्ले पैनल है जो आप देख रहे हैं। 10 प्रीसेट मेन्यू, फंक्शन नॉब, टाइम टेम्परेचर के लिए सिलेक्शन, रोटेजरी, और आपका ये बल्ब जो आपकी लाइट मिलती है। और इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये वाटर टैंक है। इसके अंदर आपको सिर्फ ओरो वाटर ही यूज़ करना है हमेशा। ये लिड है, यहाँ से पानी डालेंगे, सिंपली इसको बंद कर लेंगे। और सपोज़ आपको टैंक क्लीन करना है तो साइड से इस टैंक को आप उठा करके निकाल सकते हैं, बाहर धो करके दोबारा से इसमें आप इजीली इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एग्जॉस्ट विंडो है, यहाँ से हॉट एयर आउट होती है। और एक मैं आपको साइड में विंडो दिखा, और ये जो आप साइड में विंडो देख रहे हैं ये एयर इन के लिए दिया हुआ है वेंट। यहाँ से एयर इन होगी और इस वाले पोर्शन से आउट होगी, और दोनों साइड में आपको एयर इन के लिए वेंट दे रखा है जहाँ से एयर इन कर। चलिए सबसे पहले हम क्रम ट्रे लगा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं चीज़ों को लगाना किस तरीके से। सबसे डाउन साइड में क्रम ट्रे लगानी है, उसके बाद में सपोज़ आप मोमोज वगैरह या कुछ भी बना रहे हैं तो आप इस क्रिस्प बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। ये बास्केट सिंपली आपने यहाँ लगा देनी है, अभी ये लग जाएगी यहाँ पे। मैं सेम आपको रोटेजरी का भी बताऊँगा कि रोटेजरी भी आप अगर चाहें तो दोनों साइड में यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लॉट बने हुए हैं, इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे। मैं आपको रोटेजरी एक बार एक्टिवेट चालू करके दिखा देता हूँ कि रोटेजरी चालू किस तरीके से होगी। ये वाला आइकन है, इस आइकन को हमने प्रेस करेंगे, रोटेजरी वाला मोड चालू हो जाएगा। अभी देखिए प्रोडक्ट आपका चल गया है, नीचे रोटेजरी मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, आपको दिखाई देने लगेगा।
अब आपका रोटेजरी रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें आप फुल चिकन बनाना चाहो फुल चिकन बना सकते हो, पनीर टिक्का कबाब जो भी आपने चीज़ें बनानी है रोटेजरी मदद के थ्रू आप वो कर सकते हैं रोड के थ्रू। इसके अंदर आप अगर स्टीम वाली चीज़ें बनाना चाहते हैं स्टीम वाली बना सकते हैं, अगर आप सिंपली कोई चीज़ रोस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसमें आपको स्टीम का लेवल भी दिखाऊंगा कि स्टीम इसमें कितनी क्वांटिटी में आती है। उसके लिए सबसे पहले हम अपना नॉब से सिलेक्शन करेंगे, या हम प्योर स्टीम पे जाएंगे। अभी हमारा प्योर स्टीम वाले पे आइकन पे चला गया है प्रीसेट फंक्शन नॉब से। अब मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए फंक्शन नॉब को सिर्फ पुश करना है, पुश टू स्टार्ट है, और कैंसिल करने के लिए भी इसको अगेन पुश कर लेना है। तो अभी ये चल पड़ा है हमारा प्रोडक्ट प्योर स्टीम पे। तो एक बार मैं अभी आपके सामने ओपन करूंगा स्टीम को देखने के लिए, स्टीम इसमें कितनी बन रही है। तो आप इसमें देख रहे हैं स्टीम, स्टीमर का काम करेगा अच्छे से। ये मैंने स्टीम मोड पे सिलेक्ट किया हुआ है अभी, और जो भी एक्स्ट्रा पानी स्टीम का होगा वो नीचे वेंट के थ्रू वाटर कलेक्टर ट्रे में चला जाएगा, जिसको आप इजीली बाद में वहाँ से हटा सकते हैं पानी। तो ये हमारा स्टीम वाला मोड है। इससे नेक्स्ट पे आप जाएंगे स्टीम प्लस बेक मोड दे रखा है, उससे नेक्स्ट पे जाएंगे फ्रोजन। सेम एज आप अपने डिश के अकॉर्डिंग कोई भी मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं फंक्शन नॉब के थ्रू, और उसको सिंपली प्रेस कर देना स्टार्ट करने के लिए। टाइम एंड टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये आइकन दिया हुआ है। टाइम और टेम्परेचर आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर रेंज 50 से 200 डिग्री सेल्सियस तक है। टाइम आपका 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक एनी रेसिपी, और वार्म मोड और डिहाइड्रेट मोड पे आप इसको अप टू 24 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। एक मिनिमम टेम्परेचर पे वो चलता रहेगा। वाटर टैंक कैपेसिटी आपको बता दी है, 1350 ml वाटर टैंक कैपेसिटी है, 1700 वाट का हीटिंग एलिमेंट, और कंपनी आपको प्रोडक्ट की 2 ईयर्स वारंटी दे रही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह के नए नए प्रोडक्ट्स के साथ में मैं आपके लिए वीडियोस और बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।